सितारे दिलाएंगे राज्यों। हर सवाल का जवाब देंगी पांच ज्योतिषाचार्य। देखिए ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में ज्योतिषाचार्यों का एग्जिट पोल। राजनीति यानी कि एक ऐसी नीति बनाना जिसके जरिए आप किसी एक पद पर राज कर सके, लेकिन आज के दौर में सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में वो राजयोग होना भी जरूरी होता है। और वही राजयोग इस बार दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में, क्योंकि देश भर के अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, जानेंगे हम। हमारे साथ देश की पांच बड़ी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अन्य नेताओं के सितारों के बारे में भी जानेंगे कि इस बार के परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम उनके लिए कैसे रहेंगे। चलिए तो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे साथ पांच ज्योतिषाचार्य इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। सबसे पहले पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वाने आर्या जी हमारे साथ मौजूद है, वाने जी स्वागत है न्यूज 18 पर। मनीषा आहूजा जी आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। रूपा बुद्धिराजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। तो चर्चा हम करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा पूजा भाटिया जी से रहेगा। पूजा जी, पूरे देश के एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको, आपका गणित क्या कहता है? देखिए, अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की यदि हम बात करें, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो बहुत ही स्ट्रांग बता रहे हैं। अगर मैं देखूं तो उनकी जो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक ही उनकी राशि भी है, और चंद्र मंगल योग जो लगन में बन रहा है बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहा है, और अभी करंट में मंगल की ही महादशा उनकी चल रही है, मंगल में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। और शनि की यदि मैं बात करूँ तो देखिए, शनि जो है मासिस का कारक होता है, सत्ता का भी कारक होता है, और उनके दशम भाव में शुक्र के साथ विराजमान है। और अगर मैं गुरु की बात करूँ तो चौथे भाव में गुरु का अपने आप में होना उन्हें मासिस में बहुत लोकप्रिय बना रहा है। तो डेफिनेटली उनके ग्रह नक्षत्र तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर मैं अभी करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की भी बात करती हूँ तो ट्रांजिट में भी जो गुरु देव हैं वो चंद्रमा से गज केसरी योग बना रहे हैं, और साथ ही शनिदेव जो है चंद्र कुंडली से चौथे भाव में आ रहे हैं जो उनके दसवें भाव को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रह नक्षत्र तो बहुत पॉजिटिव है। एनडीए की लहर, मोदी लहर डेफिनेटली है ही, सिर्फ देश भर में ही नहीं दुनिया भर में मोदी मैजिक का डंका बज ही रहा है। और इस बार यदि हम सीटों की भी बात करें तो बीजेपी अगर मैं बोलती हूँ तो 320 प्लस लेकर आ सकती है, और एनडीए की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 350 से 380 की रेंज मुझे लगती है कि इनकी इतनी सीटें आएंगी ही आएंगी। मोदी मैजिक की आपने बात की, और अगला सवाल मेरा यही है वान्या जी से। वान्या जी, हमने देखा 2014 में मोदी मैजिक चला, बंपर जीत हुई, 2019 में वो मैजिक बरकरार रहा, क्या वजह है ऐसा, कौन सा योग है ऐसा पीएम मोदी की कुंडली में कि ये मैजिक इस बार भी बरकरार है और ये बढ़ता ही जा रहा है लोगों में? धन्यवाद चीनम जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। अगर हम मूला अंक की बात करते हैं तो मोदी जी का जो मूला अंक है वो 8 है, जो उनका भाग्य अंक है वो 5 है, जो कुआं नंबर एक इंसान का लक फैक्टर होता है वो भी उनका 5 है। अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो ये शनि का साल है, शनि का नंबर है 8। 8 नंबर आपने पास्ट में भी अचीवमेंट्स देखी होंगी, मोदी जी की जितनी भी पास्ट अचीवमेंट्स हैं सबका नंबर 8 है, इवन इनफैक्ट उनकी स्ट्रीट का रोड भी जो है वो भी नंबर 8 है। अगर मैं उनके डेट और मंथ को ऐड करती हूँ वो भी कहीं ना कहीं 8 पर आते हैं। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ईयर पर्सनल ईयर 7 पर आता है। तो आप देखिए कि 8 का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में है। अब मैं आती हूँ उनकी अंतरदशा और महादशा पर। उनकी महादशा इस टाइम मंगल की है, मंगल में शनि चल रहा है, तो यहाँ भी वंस अगेन शनि उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, और ये साल भी शनि का है, सैटर्न का साल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें 8 नंबर की सपोर्ट हमेशा से जो है वो मिलती आई है, और आगे भी ये सपोर्ट जो है उनको मिलती रहेगी।
करेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक उनकी राशि है, बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में बन रहा है, स्वराशि का मंगल है, रूचक नामक पंच महापुरुष योग भी जो है ये बना रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें कि इनकी कुंडली में जो है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मंगल का, उनकी मेहनत का, आपने पास्ट अचीवमेंट्स देखे, आज इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है या बनने जा रहा है, आप फॉरेन में देखिए जो भी आप कितना हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो मोदी जी के विजन है, जो मिशन है, जो वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उठाइए, आप आईटी इंडस्ट्री उठाइए, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो हर जगह मोदी मैजिक जो है, अभी उन्होंने साधना भी की, तो ओवरऑल कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपने ग्रोथ नहीं देखी, जिसमें आपने प्रोग्रेस नहीं देखी, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी विजन है, जो वो मेहनत करते हैं? बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट ओवरऑल जो है उनका करियर ग्राफ जो है, ये विजन उन्होंने 2027 तक के लिए नहीं, जबकि आने वाले 20 साल के लिए दिया था, 47 तक दिया है, खाली ये वो जो अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 2028 तक के लिए नहीं है, तो उनके जो बहुत विजन बहुत दूर की है, मासेस को लेके चलना, शनि, तो इस तरह से वो काफी ज्यादा लाइफ में आगे जाए। ठीक है वाणिज्य जी, अब अगला सवाल मेरा रखेगा मनीषा आहूजा जी से। मनीषा जी, जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह भी हो जो आपके विरोधियों के साथ लड़े, एक तो होता है राजयोग, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि विरोधियों में भी कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं नजर आता, कोई मुकाबले में नजर नहीं आता? देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है, बात सिर्फ ये नहीं है, इस मंगल यानी कि लग्नेश की युति जो है वो नवमेश चंद्रमा के साथ है, ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को जन्म देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कर्मारूढ़ है, जो कर्म करने से रुकेगा नहीं। और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि पंचमेश बृहस्पति का और नवमेश चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में आना, ऐसे व्यक्ति से जितने भी उनके विरोधी हैं या जो भी वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उसमें जीत उनकी होगी। अब अगर आप आजकल देखें, जब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मंगल का गोचर अभी ही मेष राशि में हुआ है, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठा भाव है। अब प्रतिद्वंदी तो यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गोचर में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह इस समय दशम से दशम यानी कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो जीत तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है पीएम मोदी की, ये आप जान लीजिए। चलिए, अब राहुल गांधी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि विरोधियों की बात हुई तो अब ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा विरोधी कौन है? राहुल गांधी की अगर हम बात करें, रूपा जी से अगला प्रश्न मेरा रखेगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाए हैं? उनके लिए क्या कहता है आपका गणित, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य का एग्जिट पोल? जी, राहुल गांधी की बात करें तो देखिए, जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेट पर अवेलेबल होती है, मेरे पास मिथुन लग्न की कुंडली है जो कि ये बताती है ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और सूर्य और मंगल इनके लग्न में है, कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में इनको मिली है, परंतु ये अपनी राजनीति को संभाल नहीं पाए, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए, अपनी विरासत को क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि इनको वाणी दोष, बुध 12 में होकर इनको वाणी दोष लगता है, कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी ये बने हैं। कहा जाता है, और कहे अगर मैं कुंडली देखूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये अपनी उस चीज़ को, अपनी प्रखरता को निखार नहीं पाएंगे, उस निर्णय कुछ ऐसे नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय जो इनके राजनीतिक स्तर पर इनको कुछ ऊंचाइयां दिला पाएं। लेकिन अगर मैं 2024 अभी इनके चुनावों की बात करूं, जो इनका मुझे गणना दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये अपने आप को उभारने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज को निखारने का काम करेंगे, कुछ सीटें इनको मिलती हुई मुझे दिखाई देती हैं, और अब 2024 से, अप्रैल के बाद से, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक करियर में भी आप इनकी थोड़ी सी सक्रियता देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इनके भाषण या कुछ ऐसे इनके वाद विवाद देखेंगे जो कि जनता भी देखकर ये आश्चर्यजनक होगी कि इन्होंने, इनकी तरफ से ये चीज़ें आई हैं, कुछ मुद्दे आप कह लीजिए। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मैं अगर देखूँ तो राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का योग मैं नहीं देख पाती हूँ, इनके
कुछ इनके कारण जो कुंडली में बताते हैं वो यही बताते हैं ये सहयोगी जरूर रहेंगे कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं सहयोगी तरीके से काम करते रहेंगे, परंतु इनकी कुंडली में कुछ विशेष कर और प्रबल योग राजनीति से संबंधित मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है रूपा जी, अब अगला सवाल मेरा है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इनका नीच राशि में, जो कि इनके प्रक्रम को, जो इनकी जैसे कहते हैं ना प्रक्रम और इनके भाग्य को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक नहीं जाते हुए मुझे नजर आते। बिल्कुल, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है। अमित शाह की अगर हम बात करें, वोकल काफ़ी स्ट्रांग है उनका, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस बार क्या कहते हैं उनके सितारे, उनके बारे में भी ज़रा भविष्यवाणी कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी किया है, और सपोर्टिव मैं बोलूं सेकंड, अगर हम मोदी के बाद कोई फेस देखते हैं तो वो अमित शाह का ही देखते हैं। जैसे कन्या लगन की उनकी कुंडली है अमित शाह जी की, छठे भाव में उनके इस टाइम पे शनि चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनकी जितनी भी तारीफ करो अभी तो कम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे डंके की चोट पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो थोड़े से इनको आगे देखने पड़ेंगे, आज से अभी से जो इनका मंगल चेंज हुआ जो कल स्वयं राशि में गया है, तो वो इनके लिए बहुत ही आगे लेके इनको जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा रहने वाले हैं, अच्छा समय इनका रहने वाला है 45 दिन का, और जिनके कार्यकाल जो भी शपथ ले लेगी बीजेपी उसके बाद से जो इनका कार्यकाल है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अमित शाह जो हमेशा से मशहूर रहे हैं अपने कार्यों को लेके और अपने भाषणबाजियों को लेके, जो एकदम से ये बोल देते हैं, और अनप्रडिक्टेबल सी इनकी भी सिचुएशन है। मैं बोलूँगी मोदी जी का और अमित शाह जी का ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर सा इनका करेक्टर ट्रेट्स आते हैं, जब दोनों जो काम करते हैं एकदम से अचानक से करते हैं, दोनों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से आगे जाके लंबे समय तक इन दोनों का कार्यकाल चलेगा और इन दोनों की एसोसिएशन चलेगी, अलायंस। अगर मैं बोलूँगी अगर मोदी के बाद कोई फेस आएगा तो अमित शाह का ज़रूर आ सकता है, तो इनकी कार्यकाल की नीति बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और देखिए बहुत ही सीधा सीधा साफ सा अभी तो दिख रहा है बीजेपी ने जीतना है, NDA ने जीतना ही है, तो इनका बहुत ही बढ़िया आगे चलने वाला है कार्यकाल। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा भाटिया जी से अब अगला सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ। संत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और तरह तरह से जो है हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने चाहे कानून व्यवस्था को सुधारने की बात हो उस पर भी काम किया और भी कई विकास के कार्य किए, लेकिन इस बीच सवाल मेरा ये कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या कहते हैं सीएम योगी के सितारे? कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है इनकी, और जिस तरह से इनके ग्रह नक्षत्र है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। सिंह लगन की इनकी पत्री है, 5 जून 1972 सुबह 10:54 उत्तराखंड की इनकी पत्री बनी है, सिंह लगन की पत्री, और इनकी जो राशि है इनकी कुंभ राशि। तो इस तरह से अगर मैं देख रही हूँ कि लग्नेश का दशम भाव में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, और साथ में अगर हम देख रहे हैं बुध और शनि का भी दशम भाव में आना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग इनका एसोसिएशन बनाता है, बहुत स्ट्रांग ग्रह दशा दिखाती है कि इनको तो मतलब सत्ता में काबिज रहना ही रहना है, और जिस तरह से इन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जैसे शनि जिस तरह से दशम भाव में है ना, तो इनके लिए सत्ता और साधना दोनों के ही मार्ग बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं, और जिस तरह से इनकी हिस्ट्री भी रही है, ये जिस तरह से 21 वर्ष की आयु में गोरखनाथ मठ के साथ एसोसिएट हो गए थे, अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली इतनी ज़बरदस्त है कि सत्ता इनके पीछे आती है, ये सत्ता के पीछे नहीं जाते हैं, तो इतनी स्ट्रांग कुंडली है। और अगर अभी की मैं इनकी करंट प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं तो इनकी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है, अब दशमेश होके शुक्र लाभ भाव में मंगल के साथ बैठा है भाग्य स्थान के स्वामी के साथ, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, तो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो जीत है वो तो निश्चित है, बहुत अच्छी सीटों से ये मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर साथ में हम ट्रांजिट की भी बात करते हैं तो दशम भाव में गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग इनकी पोजीशनिंग दिखाता है। साथ ही शनि का गोचर 7th हाउस में यानी कि सत्ता के भाव में हो रहा है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। हाँ, थोड़े से इनके हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं, बट
इनकी जो शुक्र की आने वाली महादशा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर मैं ये बात बोलूं कि इनकी साढ़े साथी का दूसरा ढैया चल रहा है, साढ़े साथी खत्म होते ही आप देखिएगा 2027 के बाद इनका ग्राफ जिस तरीके से ऊपर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीएम पद के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही पूजा भाटिया जी। और अब अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर होगा। राजनीति, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिर्फ नीति बनाने से राजनीति में काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में आपके ग्रहों का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने कितनी रणनीति बनाई, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक जो कि हम बात कर रहे हैं। वानिया जी से मेरा अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर, खूब चुनाव प्रचार उन्होंने किया और लगातार डटी रहीं, लेकिन क्या उनकी कुंडली में वैसे सितारे हैं कि राजनीति में आगे बढ़ने का जो योग है वो पूरा हो पाएगा? थैंक यू शीनम जी। प्रियंका गांधी की अगर मैं कुंडली की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बिसाइड्स इतना सब करने के बाद भी मुझे उनके कुंडली ग्राफ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल नज़र आता है, और अभी ऐसा कुछ एट पार मुझे नहीं दिखता। अगर मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है, कुआं नंबर 5 पर है जो कि लक फैक्टर होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, भाग्यांक 5 और पर्सनल ईयर 3 पर है। उनके ईयर एंड का अगर हम टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 9 पर आता है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो वो बहुत करती हैं। मंगल का नंबर है, महादशा अभी सूर्य की चल रही है, अंतरदशा सूर्य की चल रही है, सूर्य सप्तम में होके वर्गोत्तम में है, सेकंड हाउस में इनका केतु है, अष्टम में इनका राहु है, कहीं ना कहीं अष्टम का राहु इन्हें प्रॉब्लम करता है। बुध आदित्य योग इनके कुंडली में है। एक की पॉइंट जो है इनकी कुंडली में वो ये है कि इन्होंने जो अपना वाराणसी में करियर स्टार्ट किया था वो अमावस्या के दिन किया था, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो इनकी सेल्फ की डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इनकी वाणी भाव में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उसकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे उनकी भाई का या उनकी माता का, तो बिना पूछे वो डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाती हैं। तो अगर वो अपने डिसीजंस खुद इंडिपेंडेंटली लेंगी तो उनकी लाइफ के लिए और उनके करियर के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल उनका ग्राफ एक मीडियोकर ग्राफ की तरह ही नज़र आता है, कोई ऐसा बहुत मतलब राजनीति में उनका करियर कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा अभी नहीं दिखता है। और इसके अलावा जो है चंद्रमा नीच का है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल एंग्जाइटी और नीच का होके छठे भाव में है, तो एक डिप्रेशन और कहीं ना कहीं मेंटल एंग्जाइटी और चीज़ों को डिसीजंस ना ले पाना, एट टाइम्स लाइट लो हो जाना, एट टाइम्स लाइट हाई हो जाना, कई बार शब्दों का, वाणी का, कि लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं वो कई बार उनकी कुंडली में जो है नहीं आ पाता है, तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो एक्चुअली आने चाहिए बींग अ पॉलिटिशियन, कभी कभी ऐसा होता है। उनका आने वाला जो 2027 के बाद वाला टाइम है वो आगे अच्छा रहेगा, बट फिलहाल उन्हें थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है वाणी जी, ये तो हमने बात की, हम लगातार नेताओं की बात कर रहे थे, ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन कहा जाता है मनीषा जी कि पार्टी के भी अपने सितारे होते हैं और वो पार्टी के सितारे भी मैटर करते हैं जीत के लिए। और इस बार बीजेपी का जिस तरह से पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी का जो सहयोग है, अकेले अपने दम पर भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के भी क्या सितारे होते हैं, क्या पार्टी के भी सितारे होते हैं, और होते हैं तो क्या कहते हैं वो सितारे? जी, अब अगर बीजेपी की कुंडली को देखें हम तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब जो दशा चल रही है इस पार्टी को इस समय वो है चंद्रमा में बुध में शुक्र। अब शुक्र की जो ब्यूटी है वो देखिए आप दशांश में, जिसे हम कर्म के लिए देखते हैं या करियर ग्रोथ के लिए देखते हैं, वहाँ पर शुक्र उच्च के मीन राशि में बैठे हैं और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर नवांश में देखें तो बुध वृषभ लग्न की ये नवांश है, इसमें लग्नस्थ हैं और शुक्र एकादश भाव में फिर से एग्जॉल्टेड हैं, तो यहाँ पर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग आ रहा है और बहुत ही पावरफुल योग आ रहा है इस स्ट्रेंथ के आगे। तो अब ये कहना, ये क्या ही कहेंगे कि कोई और जीतेगा, ये तो बहुत ही क्लियर विक्ट्री है। और ये विक्ट्री इस बीजेपी की इस कुंडली से हम ये बता सकते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ 2024 की नहीं है, ये विक्ट्री 2029 की भी है। बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी 2029 में, क्योंकि ये पार्टी के चार्ट से बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। अब अगर हम देखते हैं कांग्रेस की कुंडली को बीजेपी की कुंडली से हम कंपेयर करते हैं, तो कांग्रेस की कुंडली एक मीन लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं,
सूर्य इस कुंडली का षष्ठेश है और शुक्र इस कुंडली का अष्टमेश है, दोनों युति बनाकर दशम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बृहस्पति दशमेश है और अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब जो दशाएं चल रही हैं वो है बृहस्पति में राहु में सूर्य। इन दशाओं में कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करती, मगर अगर जैमिनी की चर दशाएं देखी जाएं जो कि बहुत सटीक रिजल्ट्स देती हैं, तो मीन राशि की ही अंतर दशा चल रही है। यहाँ पर सूर्य अमात्य कारक है और दशम भाव में बैठा है, इससे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी इस बार, थोड़ा सा। देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की भी हम बात करेंगे। फिलहाल बीजेपी को लेकर ये मेरा सवाल था कि बीजेपी पार्टी के सितारे क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के सितारे क्या कहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। हमारे साथ न्यूज रूम में लगातार बनी हुई है ज्योतिषाचार्य मनीषा जी, वान्या जी, पूजा जी, रूपा जी और पारुल जी। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी के सितारे। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, आग लग गई, रात जलते रहे धरासू के जंगल, आग से वन संपदा को भारी नुकसान। श्रीनगर में पड़ सकती है भीषण गर्मी, पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा, कूलर से ठंडे किए जा रहे ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग ने लोगों से बिजली का लोड कम करने की अपील की। देहरादून में पानी की किल्लत हुई, हरीश रावत को भी झेलनी पड़ी पानी की किल्लत, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं हरीश रावत। रुड़की में बलात्कार के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए, युवती को अस्पताल में किया गया था किडनैप, झबरेड़ा के जंगल में दोनों ने मिलकर बलात्कार किया। हरिद्वार के गणेश विहार के शिव मंदिर में चोरी की गई, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस आरोपी लड़के की तलाश में जुटी। फूलों की घाटी सैलानियों के लिए एक बार फिर से खुल गई है, 31 अक्टूबर तक खुली रहेंगी फूलों की घाटी, विदेशों से भी फूलों की घाटी पहुंचते हैं पर्यटक। कपाट खुलने के बाद में हेमकुंड साहिब में हुई पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, बर्फबारी के बीच में मौसम ने करवट ली। ऋषिकेश में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कोशिश की जा रही, वाटर होल्ड को पानी से भरा जा रहा, पानी की कमी से आबादी का रुख कर रहे थे जानवर। संबल में युवती की हत्या का खुलासा हुआ, पड़ोसी युवक गिरफ्तार किया गया, युवती की शादी को लेकर नाराज था आरोपी। शाजापुर में शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। शाजापुर में शातिर चोर गिरफ्तार, 80,000 कैश भी बरामद किया गया, थाना आरसी मिशन इलाके की घटना। नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की साजिश को नाकाम किया, लॉरेंस गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार किए गए। अमरोहा के गजकोला में वेज खाने में हड्डी मिली है, अफसर ने होटल स्टाफ को फटकार लगाई, शिकायत पर प्रशासन ने बंद कराया होटल। सीतापुर में बस में अचानक से आग लग गई, आग से बस चलकर खाक हुई, सड़क किनारे खड़ी थी बस। जम्मू से अलीगढ़ और हाथरस लाए गए सभी 15 शवों का किया गया अंतिम संस्कार, जम्मू के अखनूर में बस हादसे में हुई थी अलीगढ़ के 11 और हाथरस के 9 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पहाड़ियों पर लगी तक पहुंची है आग बुझाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में भीषण आग लग गई, स्थानीय जनता ने आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की, वन विभाग के कर्मचारी भी जुटे। महाराष्ट्र के पुणे के बागबोली में गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई, अचानक से आग लगने से दहशत का माहौल। मुंबई के भाईखला इलाके में एक बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल किया। जम्मू कश्मीर में गर्मी के बीच में सेना के जवानों ने चलाया मदद अभियान, मुगल रोड पर मुसाफिरों और स्थानीय लोगों तक पहुंचाया पानी का टैंकर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कल मरहा बफलियाज में संदिग्ध लोगों के देखे जाने के चलते फायरिंग की गई थी। पंजाब में तरन तारण में बीएसएफ ने बॉर्डर के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, सीमा पर लगातार ड्रोन पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली में बरकरार है पानी की किल्लत, चाणक्यपुरी में पानी के टैंकर पर लगी लोगों की भारी भीड़।
असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जलभराव की आई तस्वीरें। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हुई, मौसम विभाग ने त्रिशूर, मलप्पुरम और साथ ही कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया। अमरोहा में रानीखेत उर्स मेला स्थल पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए। नैनीताल में होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने कोतवाल का घेराव किया, होटल वालों को पर्यटक के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने का मामला आया था सामने। रुद्रप्रयाग में मधुगंगा और मंदाकिनी के संगम पर बंद। मध्य महेश्वर जल विद्युत परियोजना कुछ दिनों में चालू होने वाली है जिससे कि हर साल 101 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। कोटद्वार में प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा है। हालात ये हैं कि दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बागेश्वर में एनसीसी बिलोना में तैनात हवलदार की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई, बिलोना में सरयू नदी में पैर फिसलने से हादसा हुआ। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास में कूड़े के ढेर में बार बार आग लग रही है जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बागेश्वर में एक बार फिर से जंगलों में आग लग गई है, कांडा थपोली मनकोट के जंगलों में भीषण आग लगी। रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड में अग्निवीर की पासिंग आउट परेड हुई है जिसमें 989 नए अग्निवीर सेना को मिले हैं। रुड़की नवीन सब्जी मंडी में रंग और केमिकल इस्तेमाल करने की जानकारी मिली, खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। श्रीनगर पुलिस ने महिला प्रोफेसर के साथ में 7.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में कैटी पेरी ने किया परफॉर्म, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टी में गुरु रंधावा ने बांधा समा, स्टाइल में मारी एंट्री, दिखाई क्रूज की झलक। आध्यात्मिक यात्रा पर सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद में बोले, अभिभूत महसूस कर रहा हूं, ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती हैं। महासंघ लेट नाइट डिनर पर निकली प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन किया बेबी बम। चुनाव के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, आज 7 अलग अलग बैठक में होंगे शामिल। रिमाल तूफान की करेंगे समीक्षा, गर्मी को लेकर भी करेंगे बैठक, अगले 100 दिन के एजेंडे पर भी होगी चर्चा। सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरक्षपीठ में सुबह सुबह किए दर्शन पूजन, पूजा के बाद में गौ सेवा की। सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की, सीएम ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ज्योतिषाचार्यों का एग्जिट पोल। जी हां, देश की तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी की और अब बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि पार्टी की भी कुंडली होती है, पार्टी के भी सितारे होते हैं जिनके दम पर वो परफॉर्म करती है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अब सत्ता से बाहर है, एक बार फिर उसके लिए निराशा वाली ही खबर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के सितारे क्या कहते हैं? जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए, मीन लगन की कुंडली इनकी बनती है और राहु केंद्र में बैठे हुए, कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये कुंडली अपने आप में, जिसे कहा जाता है ना, विरोधियों के लिए भारी नहीं रहेगी, इस पर विरोधी भारी रहेंगे। और कुछ अच्छा कर पाने के लिए देखिए, साथ में आपके प्रधान अगर जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो, जैसे कि हम मोदी जी की भी बात करते हैं, उनकी कुंडली स्ट्रांग है बीजेपी के साथ, इनकी अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो कांग्रेस के साथ, तो भी चीज़ें मिलती हैं। पर कुंडली जो कांग्रेस की कह रही है वो बहुत स्ट्रांग नहीं कह रही, कहीं ना कहीं इनकी जो दशाएं और इनकी जो नक्षत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो अच्छा कर पाएंगे 2024 में, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर इनका नेतृत्व कोई स्ट्रांग
पार्टी का बंदा करे, कोई ऐसा नेता करे जो कि जिसे कहा जाता है जिनके ग्रह स्ट्रांग हो। पार्टी के ग्रह इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद पार्टी को थोड़ा सा आगे निखार कर सामने लेकर आ सके। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की हमने बात कर ली और अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पांचों की पांचों सीटों को लेकर एग्जिट पोल कहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के ही खाते में जाएगी और क्लीन स्वीप उत्तराखंड में बीजेपी करेगी। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो उनके सितारे क्या कहते हैं, उनके लिए क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगी पारुल जी, जानते हैं। जी, पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरगढ़ में हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इनके ग्रह बनते हैं। इनका जो लगन है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इनका देवर ही जब से पॉलिटिक्स में आए हैं इनका ग्राफ काफ़ी ऊपर ही गए और आगे भी जाके मुझे दिख रहा है। भाजपा के साथ बहुत ही अच्छा इनकी नीति रहने वाली है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे और आगे ही जाते हुए दिख रहे। इनका ग्राफ अभी करियर का फिर दोबारा से चढ़ेगा, उतार तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, आने वाले समय में इनका अच्छा ही समय दिखेगा। अभी जो इनका मंगल और शनि और शुक्र का जो योग साफ दिखाई दे रहा है वो वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी और अच्छे गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। मीन्स जो इनका चंद्रमा है ना वो इतना स्ट्रांग है कि इस टाइम पे ये जनता के बीच में अपने दिल में जगह बना पाएंगे उनके दिल में, और जो ये बात बोलेंगे इम्पैक्टफुल रहने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते फिर रहे हैं ये लोगों के दिलों में, राज भी करेंगे। और पीछे जो इनके कुछ भाषणबाजियाँ हुई है इतनी अच्छी ये चीज़ें नहीं बना पाए, लेकिन अभी आगे जाके आप देखेंगे ये 2 जून के बाद से जो इनका मंगल जो चेंज हुआ है, जो इनका शुक्र साथ में बैठा है, बहुत ही बढ़िया इनको जीत भी देता हुआ दिख रहा है और आगे जाके इनका करियर ग्राफ ऊपर जाएगा। जो इनका सिंह चल रहा है वो धीमी ही गति में चल रहा है, लेकिन जब ये शपथ ग्रहण हो जाएगी बीजेपी की उसके बाद आप देखिएगा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और आगे इनका भी करियर मुझे दिख रहा है पॉलिटिकल करियर ऊपर जाने वाला है। तो बहुत ही खुशखबरी आने वाली उत्तराखंड के लिए भी कि उनका जो साथी है वो फिर से ऊपर आएंगे और इनके जितने भी वादे करे हैं मुझे लग रहा है इस बार कर्मों पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, तो इस बार कर्म भी करते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनका आगे ग्राफ रहने वाला है और अच्छा रहेगा इनका सपोर्ट बीजेपी की सत्ता के साथ। बिल्कुल, और इनका जो विनम्र स्वभाव है उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। पुष्कर सिंह धामी की हम अभी तक बात कर रहे थे और अब हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उनके सितारे क्या कहते हैं, पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी का ग्राफ कितना ऊपर बढ़ पाएगा, क्योंकि दावे तो खूब किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 80 सीटें हम जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी भी कम नजर नहीं आई। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सितारे क्या कहते हैं, कुछ कमाल पहले के मुकाबले कर पाएगी सपा या फिर वही हाल रहेगा? जी देखिए, अखिलेश यादव जी की कुंडली जो मुझे मिली है नेट में मिथुन लगन की मिथुन राशि है और मिथुन लगन की कुंडली मुझे मिली है, और अगर मैं लगन की बात करूँ तो चंद्रमा शनि सूर्य केतु ये सब चंद्र कुंडली में इनके विराजमान है, लगन में विराजमान है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा है। जिस तरह से इनकी कुंडली बता रही है, अगर मैं देख रही हूँ कि शनि केतु कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, साथ ही शनि और चंद्रमा भी विष योग लगन में बना रहा है जो बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन नहीं है, और शनि और केतु यानी कि ग्रहण दोष की भी पत्री है जिसकी वजह से सत्ता में आने का और उसमें विराजमान रहने का इनका योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। अभी वर्तमान में इनकी जो दशाएं चल रही हैं, केतु की महादशा में राहु का प्रत्यंतर जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव नहीं है, और अगर मैं ग्रह गोचर की भी बात करूं तो ग्रह गोचर में भी अगर मैं देख रही हूं तो दशम भाव में जन्म के मंगल के ऊपर से राहु का गुजरना अपने आप में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इश्यूज दिखा रहा है। अपनों से ही धोखा मिलना, अपनी ही पार्टी में इश्यूज दिखना, और कहीं ना कहीं ये साल अखिलेश यादव जी के लिए थोड़ा सा मुझे परेशानियों भरा नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांग फेवरेबल सिचुएशन नहीं दिख रही है। गुरु का भी गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वें भाव में चंद्र कुंडली से गुरु का गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इनकी केतु की दशा 2027 तक रहने वाली है, तब तक इनका अप्स एंड डाउन्स ही लगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहा है, और सत्ता में आने में अभी इनको काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन की, यानी कि इंडिया INDIA जिसे नाम दिया गया, और माना ये गया कि अगर इसे ये नाम दे दिया जाएगा तो इसका राजनीतिक भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, आइए जानते हैं हमारे साथ वानिया जी से ये सवाल रहेगा मेरा। वानिया जी, ज़रा इंडी गठबंधन का भविष्य भी बता दीजिए। इंडी गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो खाली नेम चेंज करने से पार्टी में डेवलपमेंट्स नहीं बढ़ जाएंगे,
इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, जहाँ पर भार पड़ता है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो विजनरी है कि 4 जून के बाद ये पार्टी भी फिर से स्प्लिट हो जाएगी। इस पार्टी में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी इशू है, तो चीज़ें जो इस पार्टी के लोग हैं ये परमानेंट नहीं है। आज कोई एक पार्टी में है, कल दूसरा जो है दूसरी पार्टी में जाएगा। अगर हम इनके कुंडली की बात करते हैं तो 6ठे भाव में राहु और गुरु साथ में है, तो उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें इतना विजडम नहीं है। 12वें का केतु है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनि षटभिषा में है, शुक्र जो है मघा नक्षत्र और गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में है। 4 जून के बाद इनके जो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, जैसे मैंने बोला, वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और कहीं ना कहीं इनकी में सबसे अभी शनि में शुक्र में गुरु चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में जो लोग हैं वो आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, और इनकी जो लीडरशिप है, जो इनके लीडर्स हैं, जो इनकी मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं वो पार्टी थोड़ी सी डाउनफॉल की तरफ दिखती है। कुछ लोग अपने ही लोग धोखा देते हुए नज़र आते हैं सेम पार्टी को, कुछ लोग छोड़ते हुए नज़र आते हैं इसी पार्टी को, और इसकी सस्टेनेबिलिटी मुझे सिर्फ 4 जून तक ही दिखती है। उसके बाद जो इसका डाउनफॉल वाला ग्राफ है वो शुरू हो जाएगा। इसमें मंगल और शुक्र जो है वो दशम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा जो है नवम में अस्त होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ और ऑन एंड ऑफ इमोशनल इश्यूज आते हैं, जहां पर लोग अपने डिसीजंस जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो ग्राफ जो है वो डाउनग्रेडिंग है। ठीक है, और अगला सवाल अब मेरा मनीषा जी से रहेगा। मनीषा जी ने एक हमारे शो में कहा था कि 2024 का जो साल है वो सनातन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है और विजय का साल साबित होने जा रहा है। मनीषा जी से सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों कहा था, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी भविष्यवाणी सच होती यहाँ पर दिख रही है। जी, अब आप ये देखिए कि जैसे ही राम मंदिर प्रतिष्ठित किया गया है, ये एक लक्षण है इस बात का कि अब धर्म ध्वजा लहराएगी और सनातन का उत्थान होगा। राम सत्य हैं और सत्य ही अग्नि है। हमने अखंड भारत के अग्नि चक्र को प्रतिष्ठित किया है, तो अब ये भी जान लीजिए कि अगर अखंड भारत के अग्नि चक्र को प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो जो अखंड भारत के टूटे हिस्से हैं वो वापस आएंगे। उसमें पहली कैजुअल्टी तो पीओके है, जो जल्दी ही आने वाली है, और आप देखेंगे कि इस डेकेड के अंत तक और उसके आसपास, उससे कुछ आगे, नेपाल भी भारत का हिस्सा फिर से बन जाएगा, तो ये होना ही है। इसलिए यहाँ राम राज्य का स्थापित होना इस बात का लक्षण है, जैसा कि मैंने कहा, सनातन की धर्म ध्वजा इस लक्षण से हम देख सकते हैं कि लहराएगी। इसलिए आप जानेंगे कि भारत की कुंडली में भी जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, बृहस्पति सूर्य और मंगल का केंद्रों में आना और इनकी दशाएं चलना, ये एक राइट विंग पार्टी की जीत दिखा रहे हैं। तो भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की हॉरोस्कोप से भी ये बहुत ही क्लियर प्रिडिक्शन है कि बीजेपी लेड एनडीए जीतने वाली है और एक अच्छी उम्दा जीत होगी। बिल्कुल, तो हमने बात की सनातन को लेकर, जिसको लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी, हालांकि बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो की जा रही हैं एग्जिट पोल को लेकर, वो कितनी सच साबित होती हैं भविष्य में ये देखना होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। रूपा जी से मेरा अगला सवाल है कि आपको क्या वजह लगती है कि विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर TMC हो, कोई भी विपक्षी दल हो, वो क्यों बीजेपी के सामने, NDA के सामने फेल साबित होते दिख रहे हैं? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में एक चीज़ बताऊं, तो इसलिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं गठबंधन कर लें या जितने भी चीज़ें कर लें, सामने खड़े नहीं रह पा रहे, उसका कारण है सिर्फ मोदी जी। मोदी जी क्यों? देखिए, एक तो वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल केंद्र में बैठा हुआ है और कितने सारे योग बना रहे हैं, और उनके लिए, मेरे को ऐसा दिखाई देता है, उनके लिए जो साल रहेंगे ना,
आज 72वां साल मोदी जी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और सत्ता में भी रहने वाले हैं। और मोदी जी की कुंडली में एक योग है जिसे कहते हैं शत्रुहंता योग, के सामने जितने भी गठबंधन बना ले शत्रु, जितने भी शत्रु खड़े हो जाएं, परंतु उन पर हावी नहीं हो सकते। उसका कारण तो एक ये भी है कि कुछ दिव्य शक्ति उन पर है, असीम कृपा है उन पर, और कहीं ना कहीं उन पर वो गुण और वो चीज़ें उनकी कुंडली में विद्यमान है जो कि बाली की कुंडली में विद्यमान थी। जिसे कहा जाता है ना शत्रु का बल खींच लेना। जब आपका प्रधानमंत्री ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इतने सारे गुण लेकर बैठा होगा, और साल ये साल 2024 तो उनको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, मंगल और शनि डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर ही रहा है, और एक अच्छी खासी जीत वो जीतेंगे। और इसी साल आप देखेंगे कि कुछ और नियम भी बनाए जाएंगे, कोई अलग कड़े फैसले लिए जाएंगे जो कि राजनीतिक स्तर पर भी होंगे। डेफिनेटली ये साल बहुत बड़ा चुनौतियों भरा मोदी जी के लिए भी रहेगा, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत सारे संघर्ष का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनका जप और तप, उनकी जो भक्ति और शक्ति है, जो उन्होंने धर्म जगाए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो दिव्य शक्ति के साथ साथ, जैसे उन्होंने वाराणसी की अभी यात्रा की थी, मैंने उसके लिए भी एक चैनल पर भी बोला था कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले वाराणसी में भैरव बाबा का आशीर्वाद लिया, कलयुग में भैरव बाबा का आशीर्वाद लेकर मंगल और शनि की युति उनको आगे लेके जा रही है, और जो 72वां साल उनकी कुंडली में है वो भी एक इतिहास रचेगा। कहीं ना कहीं उनकी जीत तो निश्चित ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे और कड़े कानून भी लेकर आएंगे जो कि यादगार रहेंगे। जी बिल्कुल रूपा जी, बहुत ही बारीकी से आपने बताया कि जो पीएम मोदी की कुंडली का योग है शत्रुहंता योग, वो विपक्षी दलों के लिए कितना खतरनाक है। केजरीवाल की हम बात करने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, हालांकि विपक्षी दल में ही है वो भी, तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बेटर होगा या फिर वही परफॉर्मेंस दोहराई जाएगी? जी बिल्कुल, केजरीवाल जी की अगर मैं कुंडली उठा के देखूं तो 16 अगस्त 1968 का उनका जन्म है और सुबह के 7:30 बजे सिवानी में पैदा हुए हैं। तो जो उन्होंने पीछे कर लिया कार्यकाल में वो नीति तो अभी नहीं चलने वाली, क्योंकि नीच में उनका शनि चल रहा है, जिस वजह से नीच भाव में भाग्य में आने की वजह से अब शनि का साल है, और शनि क्या काम करता है, जस्टिस देता है, और जस्टिस तो उनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके कर्म ही कुछ ऐसे रहे हैं, झूठे वादे, झूठी चीज़ें जो इतनी बोली गई हैं, तो वो आगे आने वाले समय में चीज़ें तो खुलेंगी ना, ओपन अप तो होंगी। आप जितना ज़ोर से बोला, बोलने से कुछ नहीं होता, आपने जनता के हित को आहत दी है, आपने जो भी पीछे कार्यकाल में अपने किया है वो एक झूठी अपनी सत्ता रखी है, उन्होंने झूठे गढ़ पे अपनी सत्ता रखी, तो अभी वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। शनि उनका नीच का चल रहा है जिस वजह से उनको हानि ज़रूर होगी, सूर्य जो उनका बैठा हुआ है मंगल के साथ वो उनको सर्प देश कोण बना रहा है, जो उनका जो योग बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे, कारावास तो उनको जाना ही पड़ेगा, वो भी हमको दिख रहा है। तो आगे जाके उनके कर्मफल जो दाता शनि है ना, महादशा में उनके 29 मार्च से आ रखे हैं, जिस वजह से 2026 तक वो रहने वाले हैं, तो लंबी चौड़ी इनके जो कारावास है चल सकता है, आगे इनके लिए और बैड न्यूज़ आ सकती हैं, चुनौतियाँ इनकी बढ़ जाएंगी। अभी मैं बोलूँ इनका डाउनफॉल जो है ना स्टार्ट हो चुका है, वो मार्च से ही हो चुका है, आगे चुनौतियाँ और बढ़ती हुई दिखेंगी, इनकी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाएगी, वो टूटती हुई दिख रही है, बहुत सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ इशूज़ केजरीवाल को बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिखेगी, इनके अपने पर्सनल लोग जो इनके बहुत ही खासम खास लोग हैं वो जाते हुए छोड़ते हुए दिख रहे हैं आगे जाके, तो इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली, ये साल संघर्ष भरा रहेगा। और जहाँ मोदी जी खड़े हैं तो मोदी जी के तो ग्राफ ही ऊपर जा रहा है, उनकी वृश्चिक लगन की जो कुंडली है, वृश्चिक लगन को पॉलिटिकल अगर हम करियर देखें तो बहुत ही उच्च का माना जाता है, बहुत सक्रिय माना जाता है, जब वृश्चिक लगन की कुंडली होती है तो वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, चुनौतियाँ देते रहेंगे, ऑब्स्टिकल देते, ये डिस्ट्रैक्शन करेंगे, एक्चुअली में केतु गए हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूर उनको पैदा करेंगे, कोशिश करेंगे मैं ये खंडित कर दूँ चीज़ें, मैं ये बोल दूँ, मैं वो बोल दूँ, लेकिन वो उनकी भाषणबाजियाँ भी इस बार ना जनता के दिल तक नहीं जा रही है। और जो इन्होंने धर्म के नाम पे जो बहुत सारे प्ले गेम्स कर रहे हैं, जो कभी हिंदू मुस्लिम लेके, कभी कुछ लेके, तो इस बार वो भी नहीं चलने पाने है। बहुत ही क्लियरली मोदी जी और बीजेपी वो तो जीतेगी, लेकिन इनका आगे जाके ग्राफ मुझे पॉलिटिकल गिरता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और नई पार्टी खड़ी हो जाए इस टाइम पे, तो हो सकता है एक और पार्टी खड़ी हो सकती है जो इनको टक्कर दे बीजेपी को, लेकिन आप पार्टी का तो जो संगठन है वो भी टूटेगा जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल, केजरीवाल के हाथों में भी इतनी चीज़ें है नहीं, और अभी कहते खिसकियानी बिल्ली बस खंबा ही नोचेगी, तो वो वाला हाल दिख रहा है इनका आगे जाके। ठीक है,
तो अरविंद केजरीवाल की हमने पिछले कुछ वक्त से देखा भी है, मुश्किलें काफी बड़ी हुई दिखाई दी हैं, तो उनकी कुंडली में कोई खास अच्छे ग्रह दिख नहीं रहे हैं। अब जल्दी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, हमारे जो पांचों देश की बड़ी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फाइनल कमेंट ये ले लेते हैं कि क्या लगता है 400 पार हो पाएगा, या फिर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल कह रहे हैं, आपका गणित क्या कहता है, और सीटें भी बताइएगा। मैं तो ये कहूँगी अब की बार फिर से मोदी सरकार, ठीक है, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर हम एनडीए की बात करें, 400 पार का नारा ज्योतिष गणना के हिसाब से थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट एनडीए के अगर मैं बोलूँ तो 350 प्लस सीटें तो आएंगी ही, 80-85 तक भी पहुँच सकती हैं। 400 पार थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट ओवरऑल बीजेपी ही सेंट्रल में अपनी सरकार बनाती हुई मुझे नज़र आ रही है। वाण्य जी का अगला कॉमेंट। ओवरऑल अगर देखें तो इस बार भी पिक्चर में बीजेपी ही आएगी, भारत जो है फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, मोदी जी के विजन मिशन सब सामने आएंगे और जो भी उनकी नीतियां हैं। अगर हम सीटों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए 350-380 के अप्रॉक्सीमेटली ऐसा रहेगा, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 100-150 एंड अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिलो 50। कहीं ना कहीं फिर से अब की बार भी मोदी सरकार। All the best to all the parties. जी, ये जानिए कि इस बार रिपब्लिकन चार्ट जो है इंडिया का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिख रहे हैं। अगर ऐसा होना है तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही आएगी, तो 350 तो क्लियरली दिख रहे हैं, मगर 400 पार मुश्किल होगा। ठीक है, तो 400 पार थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है। रूपा जी, आपका गणित क्या कहता है? 400 पार तो खैर मुश्किल ही बता रहे हैं, और जो एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल बताए हैं उसमें भी इतना नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटों तक पहुंच पाएगा एनडीए? देखिए, जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी का जीतना तो निश्चित ही है, लेकिन जहां तक सीटों की बात करूं, 400 पार तो मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं भी सहमत हूं, 400 पार तो नहीं होता, लेकिन मुझे 300 से लेकर 350 के बीच की सीटें नज़र आती हैं, कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मोदी जी यहाँ तक होगी, 400 पार होता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ। और अगर अन्य की बात करूँ तो अन्य मुझे सही बात है, जैसे पूजा ने भी बोला, बिलो 50 ही मुझे दिखती है, मुझे इससे ऊपर जाती हुई भी नहीं नज़र आ रही है। जी ठीक है, आपका अगला कमेंट पारुल जी। जी, हर घर मोदी, फिर से आएंगे मोदी, एनडीए सरकार तो आएगी, लेकिन जो गठबंधन के साथ आने वाली है, मेरे आंकड़े कहते हैं कि 322 से लेके 350 के अंदर अंदर सीमित रह सकती है, 400 पार नहीं होगा। टेक्निकली एस्ट्रोलॉजिकल की वजह से भी मैं बोलूँगी, हम चाहते हैं, इच्छा तो है कि 400 पार भी जाए, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम गलत होना चाहें तो हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए आनी चाहिए। और अगर मैं अदर पार्टी की बात करूँ तो इतनी सीटें नहीं ले पाएगी, यहाँ बिलो 50 ही रहने वाले हैं, और कांग्रेस की इस बार थोड़ा सा उछाल मारते हुए दिख रहे हैं, 120 से 150 के अंदर ज़रूर नज़र आने वाली है। इनकी जो स्थिति है थोड़ी बेहतर होगी पहले से, लेकिन 400 पार वाली स्थिति नहीं दिख रही, लेकिन आएंगे हर घर मोदी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ होती है कि राजनीति में अगर आपको रहना है तो एक ऐसी नीति आपको बनानी हो जिससे आप किसी भी पद पर कायम रह सकें, यानी कि लंबे वक्त तक आप उसी पद पर कायम रह सकें। लेकिन आज का दौर ऐसा है, सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में भी वो योग होना चाहिए, आपकी कुंडली में वो राजयोग होना चाहिए जो आपको राजनीति में सफल बनाता है, जो आपको राजनीति में कामयाबी की ओर लेकर जाता है। तो क्या ऐसा होता है, आपकी कुंडली में अगर ग्रह उसके अपोजिट होते हैं तो आप कितनी कोशिश कर ले राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते? देखिए, बिल्कुल, कुंडली में राजयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, जितने हमारे नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम यहीं पे मोदी जी की कुंडली देखें, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली देखें, तो इनका हॉरोस्कोप अपने आप में इतना स्ट्रांग है, और करंट दशा, महादशा इतनी फेवरेबल है। और अगर सिर्फ कुंडली में योग होना ही ज़रूरी नहीं होता है, आपकी करंट दशा कितनी स्ट्रांग है, और गोचर यानी कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, सही टाइम पे ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट फेवरेबल है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योतिष में अगर हम कहें तो। तो डेफिनेटली इस बार अगर हम देख रहे हैं, बीजेपी की कुंडली भी बहुत सपोर्टिव है, मोदी जी की कुंडली भी बहुत सपोर्टिव है, आदित्यनाथ जी की भी कुंडली बहुत अच्छा और स्ट्रांग, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो ज्योतिष और राजनीति का जो कनेक्शन है वो भी हमने आपको बता दिया, और जो फाइनल कमेंट था वो भी हम ले चुके हैं अपने ज्योतिषाचार्यों से। हमारे इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। जिस तरह
से हमने आपको बताया कि देश की जो तमाम एजेंसियां हैं, जो एग्जिट पोल बता रही हैं, जो बता रही हैं कि एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं मोदी और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता ज्योतिष के अनुसार भी नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।